टाइम पे जितने भी रिसर्च वर्क होते जा रहे हैं उसके अंदर एक रिसर्च वर्क इसके ऊपर भी है कि ट्यूबरक्यूलर पेशेंट, टीबी पेशेंट जो होते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है इसको। इसके ऊपर एक स्टडी भी हो चुकी है, आगे मैं उसके बारे में बताऊंगी कि इससे भूख जो लगती है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है टीबी के पेशेंट को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बेनिफिट्स में अक्यूट कंडीशंस जितने भी हैं उसके अंदर बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उस टाइम पे अक्यूट कंडीशन जितने भी होते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो अच्छी ऐसी चीजा उस टाइम की देनी चाहिए जो बहुत आसानी से हजम हो जाए और जज्ब हो जाए। तो ये वही चीज है कि बहुत आसानी से हजम भी हो जाता है, जज्ब भी हो जाता है, और हमारे बदन के अंदर जितने भी खराब या गलीज मादे हैं उसको भी खारिज करता है, और इससे प्यास भी बुझती है। तो और यूटीआई में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यूटीआई में भी वही सिस्टम है कि जितना हम पानी पीते हैं उतना ही हमारे जो अंदर के गलीज मादे हैं उसका इखराज होता है, और अगर हम पानी पी रहे हैं उसकी जगह माउथ शरीर का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए न्यूट्रिशियस डाइट के फॉर्म में भी इस्तेमाल हो जाता है, और क्लेंज इसका एक वो बेनिफिट है कि ये मॉडल मटेरियल का क्लेंजिंग करता है, तो इसलिए यूटीआई में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसका डायरिया के लिए अगर हम इस्तेमाल करवा रहे हैं तो जो हम जौ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले हम भून लें उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर करें, तो वो डायरिया में बेनिफिशियल है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए हम जैसे नॉर्मल अभी बताया वैसे तैयार करें। बेनिफिट्स ऑफ बार्ले, बार्ले के बेनिफिट्स जितने भी रिसर्च वर्क हुए हैं उसके बार्ले के जो बेनिफिट हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, फोलेट, आयरन, पोटेशियम, और कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज्यादा कम होती है इसके अंदर बार्ले में, इसलिए ये जितने भी हार्ट डिजीजेज होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को, इसकी कुछ स्टडी ऐसी भी हैं जिसके अंदर ये शो किया जाता है, इसके जिसके अंदर बताया गया है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल या वीएलडीएल जितने भी हैं उसको भी कम करने में फायदा करता है। कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक रिच होता है जो कि हमारे हड्डियों की जितनी भी स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करता है। ये सेलेनियम नाम के इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि प्रूवन इफेक्ट रखते हैं एंटी कैंसरस के लिए और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हाई फाइबरस डाइट माना जाता है बार्ले, जो कि वेट लॉस के लिए जिसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन के जितने भी मरीज हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल के मैंने बताया था कि टीबी के क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं जिसके अंदर 50 पेशेंट को लिया गया, डायग्नोस्ड 50 पेशेंट को, जिसके अंदर 30 केसेस को डॉट के साथ माउथ शेयर का इस्तेमाल किया गया और 20 केसेस में सिर्फ डॉट का इस्तेमाल किया गया। तो जो डॉट के इस्तेमाल जिसके साथ माउथ शेयर का इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर बहुत अच्छा फायदा ये देखा गया है कि उसके लॉस ऑफ एपेटाइट की जो शिकायत रहती है वो कम हो गई थी, और वेट लॉस में भी वो हो गया था, वेट गेन होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट प्रिपरेशन ये है कि माउथ शरीर से हम जो हॉस्पिटल में जितने भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनके डाइजेस्टिव कंडीशन को नजर में रखते हुए तीन तरह के कंसिस्टेंसी के डाइट हम उसको बताते हैं किसी भी पेशेंट को कि लिक्विड डाइट देना है, सेमी लिक्विड डाइट देना है, उसके बाद फिर सॉलिड पे आ जाते हैं। तो उसी तरह माउथ शरीर की भी ये तीनों कंसिस्टेंसी के फॉर्म में तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले जो है माउथ शरीर, जिसको मैंने बता दिया किस तरह से तैयार करना है, शरबत, इसको फ्लेवर के लिए शरबत बना, शरबत के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी या शुगर डाल के, या फिर लेमन जूस अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो उसको डाल के इस्तेमाल करें, तो ये लिक्विड डाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन होती है कशकुश शरीर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कशकुश शरीर में क्या करना है, 2 से 3 उबाल जब वो आ जाए भिगा दे उसको चौक को, उसके बाद उसको उबालें, जब 2 से 3 उबाल आ जाए तो पानी को फेंक दिए, उसके बाद उसके अंदर फ्रेश वाटर को मिलाएं और नया पानी मिलाएं और फिर उसको इतना पकाएं कि वो अच्छी तरह से फट जाए पानी के अंदर, और फिर उसको इतना घोटें कि वो एक पेस्ट की फॉर्म में तैयार हो जाए। तो ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है, जब सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट देने लायक हो जाता है हमारा सिस्टम, तब हम ये चीज को इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद और ज्यादा जब तकलीफ आ जाती है इंसान के अंदर तब उसके अंदर हम गोश्त को शामिल कर सकते हैं जिसको माउथ शेयर मुलहम कहते हैं, और इसके साथ अगर पहले मैंने बताया कि लूज मोशन और वो कॉन्स्टिपेशन दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डायरिया के लिए इस्तेमाल करें तो हम पहले जब बस जौ को थोड़ा सा भून लें ताकि उसके अंदर जो कब्जियत होती है वो बढ़ जाए। अगली प्रिपरेशन है जो मिल्क भी कहते हैं, इसका जो मिजाज होता है वो मुतदिल मिजाज माना जाता है और एक बेहतरीन गिजा मानी जाती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए कम्प्लीट गिजा का काम करती है, और इसका जो मिजाज है वो मुतदिल है लेकिन कुछ हद तक बारिद और रकब की तरफ मायल होती है।
इसके थ्री मेजर क्वालिटीज ये हैं कि ये बहुत ज्यादा हल्का होता है, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत हैवी नहीं होता है। अगर हम टोंड मिल्क या मतलब फुल फैट मिल्क ना लें तो बहुत ज्यादा लाइट माना जाता है, और इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट होता है, जो कि हमारे लिए एलिमिनेट मॉर्बिड मटेरियल को एलिमिनेशन में हेल्प करता है, बॉडी हीट यानी कि हमारे हरारती गलीजिया को इसको कायम करने में हेल्प करता है, और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। बॉडी वेट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि इसके अंदर फैट काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में रहता है, और जितनी भी ड्राइनेस प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में उसके लिए हम मिल्क का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर कलाजन पैदा करता है हमारी बॉडी में। इसको कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी एसेंशियल अमीनो एसिड शामिल होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिल्क की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम रिच होता है, ये कैल्शियम जिसको जो कि सबको पता है कि मिल्क में कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों के मजबूती के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस जो दर्द जो जोड़ के दर्द होते हैं उसके लिए उससे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसके अंदर कैल्शियम पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों शामिल होते हैं, जो कि मिल्क के कार्डियोवैस्कुलर के जितने भी हाइपरटेंसिव जो होते हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है हाइपरटेंसिव केसेस को। विटामिन B12 बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है, और इसके अंदर दो तरह की प्रोटीन होती है, वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन, इसलिए इसको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि जितने भी प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें भी दो तरह के हो गए, वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन इसमें भी ज्यादा होता है मिल्क में एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिल्क का एक स्टडी ये भी है कि एज रिलेटेड मसल लॉस जो होता है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि प्रोटीन की कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जितने भी बेवरेजेस हैं हमारे जो स्मूदी पीते हैं या फिर जितने भी शरबत वगैरह पीते हैं उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है, हम किसी भी मिल्क के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जितने भी फायदे हैं उसको इस्तेमाल इसको हासिल कर सकते हैं। इसके जितने भी एडवांटेजेस हैं उसके साथ एक डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके फुल फैट फ्री मिल्क जो आता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन इसके अंदर एक स्टडी ये भी है कि नेचुरल फीड जो करवाते हैं काउ को, ऐसे काउ जिनको नेचुरल फीड दिया जाए, ग्रास फीड दिया जाए, अगर हम उनके मिल्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कार्डियक इवेंट्स जितने भी होते हैं प्रॉब्लम्स उससे भी रिड्यूस करते हैं उसको। लेकिन आजकल जैसे जैसे इंसान पैकेज्ड फूड की तरफ जा रहा है वैसे वैसे एनिमल्स को भी उसी तरफ लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा सेफ नहीं है आज के टाइम पे। इससे एक डिसएडवांटेज ये है कि एक्ने और कैंसर को प्रमोट करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है, और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, आज के टाइम पे मोर देन 40% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जो कि इस मिल्क को नहीं ले सकते हैं। तो इसके जितने भी ये डिसएडवांटेजेस हैं उसका मेरा अगला जो प्रिपरेशन है वो सारे एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत कम होता है। माउल जुग्न जिसको फटे हुए दूध का पानी बोलते हैं, इसके प्रिपरेशन के लिए हमें करना है कि जितने भी मिल्क लेना है उसके अंदर आप चाहें तो वाटर शामिल करें या ना करें, आपकी मर्जी है। गोट या शीप का मिल्क लें, फिर उसको अच्छे से बॉईल करें, जब वो बॉईल हो जाए तो उसके अंदर खट्टी चीजों से या सिकंजबीन इस्तेमाल कर सकते हैं या लीमू इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर लें, और उसको फाड़ने के लिए उसके अंदर ऐड करें और उसको हल्का सा हिलाते रहें। जब वो अच्छे से फट जाए उसके बाद एक थिक क्लोथ से उसको छानें, और जो बचा हुआ जो पानी आता है, जो नीचे पानी जो इकट्ठा होता है वो माउल जुग्न कहलाता है। उसके बेनिफिट क्या है कि हाईली न्यूट्रिशियस होता है, वेरी गुड परगेटिव या लग्जेटिव जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये जॉन्डिस के कंडीशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये काते सफरा होता है और सौदावी अमराज में भी बहुत मुफीद है, और आसानी से जज्ब हो जाता है, आसानी से हजम भी होता है, जज्ब भी होता है, और इरिटेशन को प्रिवेंट करता है। के बनाने के तरीके में यही है कि एक बर्तन में दूध लेना है, उसको अच्छे से बॉईल कर दें, और फिर उसको बॉईल करने के बाद लीमू डालें, लीमू डालने के बाद जब वो इस तरह से फट जाए तब उसको कपड़े से छान लें अच्छे से, और कुछ देर उसको हैंग करके छोड़ दें ताकि जितना भी उसके अंदर पानी है वो पूरा अच्छे से इकट्ठा हो जाए। माउल जुग्न को ही अदर वर्ड में अगर हम इंग्लिश के टर्म में जाएं तो वे प्रोटीन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है पाउडर की फॉर्म में, उसको वे प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली माउल जुग्न ही होता है, उसको सॉलिडिफाई करके पाउडर करके इस्तेमाल किया जाता है। अतिब्बा का कहना यह है कि माउल जुग्न तब ज्यादा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब एनिमल गोट या शीप या काउ जो भी है वो जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसको ठंडी गिजाओं का इस्तेमाल कराएं, जैसे पालक हो गया, खुरपा हो गया, उसको इस्तेमाल कराएं, और फिर उसका जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 40 दिन तक उसका दूध इस्तेमाल ना किया जाए फाड़ने के लिए, और 40 दिन के बाद
जब उसका दूध जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना दूध लें, और फिर उसको फाड़ के उसको वे प्रोटीन उसका अलग कर लें, माउल जुबन अलग कर लें, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कहा है तिब्बा ने। हकीम अकबर अरजानी का कहना यह है कि ये तीन तरीके से तैयार किया जा सकता है, सिकंज बीन से, पनीर माया से, मगज़े कुरतुम से। पनीर माया के बारे में आगे हम और अच्छे से डिस्कस करें कि पनीर माया क्या है और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। और जालीनूस का कहना यह है कि जो पूरी जितनी भी दवाएं हैं या कुछ भी है उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट मुस्हिल कहा है जालीनूस ने, कि सबसे अच्छा मुस्हिल माना जाता है माउल जुबन। इसकी रिसर्च रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है, एंटी वायरल एक्टिविटीज होती है, इम्यूनिटी को इनहांस करता है, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी ये प्रिवेंट करता है क्योंकि इसके अंदर लैक्टोकाइनिंस वो होती है, लैक्टोकाइनिंस नाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंट होती है जो कि बीपी को कम करता है, जिसकी वजह से हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा होता है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है क्योंकि ये सी प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन के रिड्यूस करने के इसके अंदर रिसर्च में आ चुका है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन को रिड्यूस करता है जो कि इन्फ्लेमेशन का एक बहुत बड़ा सबब है। हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है इसके अंदर, और ये जो प्रोटीन होती है वो मसल ग्रोथ को प्रोमोट करती है और मेंटेन करती है, जितनी भी मसल की ग्रोथ को मेंटेन करती है और प्रोमोट करती है। जितने भी जिम में आप देखते हैं, जिम में जो डब्बे में वे प्रोटीन लोगों को दिया जाता है पाउडर की शक्ल में, वो बेसिकली यही है, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे ना जाके हम घर पे इसको इस्तेमाल करें, घर पे बनाएं, घर पे इस्तेमाल करें, उसके अलग और अच्छे फायदे होते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी अलग से एडिटिव नहीं डाला होता है, और इसीलिए ये फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से वेट मैनेजमेंट में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली गिज़ा है माउ रैब, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है एक तरह का, जिसको बटर मिल्क, छाछ या मट्ठा कहते हैं। इसका जो मिजाज होता है वो सर्द तर होता है और आसानी से हजम हो जाता है और प्यास को बुझाता है। छाछ भी बोलते हैं इसी को, और ये जो है वो दो तरीके से, दो चीजों से हासिल किया जा सकता है छाछ, दही से या क्रीम से। जब हम दही या क्रीम से बटर निकाल रहे होते हैं तो उसमें एक जो लिक्विड बनता है, जब बटर पूरा बाहर निकल जाता है और लिक्विड जो बचता है उसी को छाछ कहते हैं, और ये तीन तरह के होते हैं। एक तो फ्रेश क्रीम से तैयार किया हुआ वो स्वीट बटर मिल्क कहलाता है, स्टोर क्रीम से तैयार किया हुआ स्टोर बटर मिल्क कहलाता है, और अगर हम इस बटर निकालने के प्रोसेस में हम पानी को शामिल करते हैं तो उसको वे बटर मिल्क कहते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और डाइजेशन इससे अच्छा होता है, आईबीएस से बहुत ज्यादा फायदेमंद है, डिहाइड्रेशन में फायदेमंद है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, और उसके साथ साथ इसका एक बेनिफिट ये है कि फैट नहीं होता है इसके अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम मक्खन निकाल रहे हैं तो सारा फैट मक्खन के साथ बाहर निकल आता है बटर के साथ, और जो फैटलेस जो बचती है चीज वो होती है छाछ, तो इसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं है। जिनको अगर मोटे होने से डर लग रहा है या और दूध के सारे फायदे भी चाहिए तो ये छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर MFGM काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है, मिल्क फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बहुत अच्छे से हेल्प करता है और जो फैट मेटाबोलिज्म है उसमें भी हेल्प करता है। गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड विटामिन B12 है, स्ट्रेंथ देता है बॉडी को, इम्यूनिटी को इनहांस करता है और बॉडी बिल्डिंग मास को बढ़ाता है। अगली अगली गिजा है वो है माउल लहम, जिसको हम मीट डिस्टिलेट भी कहते हैं, लहम मतलब के गोश्त, उसका जो पानी होता है उसको माउल लहम कहेंगे। ये दो तरीके से तैयार किया जाता है, एक तो ये जो घर पे आप सूप के तौर पे तैयार करें, सूप के जैसे तैयार करें, और दूसरा डिस्टिलेशन अपैरेटस के जरिए तैयार करें। तो अगर डिस्टिलेशन अपैरेटस से जो चीजें तैयार की जाती हैं उसको, उससे जो हासिल होता है हमें वो होता है माउल लहम, अर्क माउल लहम हासिल होता है, जो कि कैलोरीज में बहुत ज्यादा रिच होता है, आसानी से हजम हो जाता है। जितने भी वीक पेशेंट हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में जिनको दिक्कत होती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये, और इसमें भी ट्यूबरक्यूलर पेशेंट के लिए, सेरेब्रल और कार्डियक डिजीजेस जितनी भी है उन सब में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन रिच डाइट है एक तरह से, गोश्त के जितने भी फायदे हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ये पहले के जमाने में ये डिस्टिलेशन अपैरेटस इस्तेमाल होता था क्योंकि उस टाइम पे एडवांस नहीं था, लैब वगैरह इतने एडवांस नहीं थे, तो इस तरह से हासिल किया जाता था, और आज के जमाने में पूरा एक डिस्टिलेशन अपैरेटस आता है उसके जरिए भी हासिल कर सकते हैं। इसी को मीट ब्रोथ या फिर यखनी, इसी का नाम है माउल लहम का दूसरा नाम। इसको घर पे कैसे तैयार करें, गोश्त लें, बोनलेस गोश्त लें जिसके अंदर हड्डी ना हो, उसके अंदर नमक अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल के, वाटर डाल के उसको बॉईल करें अच्छे से,
जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद उसको 1 से 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है। जब गोश्त इतना सॉफ्ट हो जाए कि उसको मसलने से टूटने लगे तब उसको आंच को बंद कर देना है, पानी को उसको निथार लेना है, अलग कर लेना है। और आप चाहे तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अंदर अपने पसंद का तड़का लगा के घी से या फिर किसी भी गर्म मसाले से उसका तड़का लगाएं और उसके बाद इस्तेमाल करें। कुछ स्पाइसेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मीट जो यूज किया जाता है वो यंग गोट का सबसे बेहतरीन बोला है यूनानी अतिब्बा ने कि जो 1 साल का बकरे का बकरा होता है या फिर भेड़ होती है उसका गोश्त सबसे ज्यादा अच्छा होता है माउल लहम के लिए। और ये डिस्टिलेशन से जो हासिल होता है उसको अल्फा माउल लहम कहते हैं। ये मैंने पहले बता दिया था। ये कुछ इसके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपनी है इन्होंने बॉटल के फॉर्म में भी दिया है कि माउल लहम को अर्क माउल लहम हासिल करके उसको एज अ ब्रांड लॉन्च किया है, जिसके अंदर एक तैयबी ब्रांड है और एक हमदर्द है और एक हरमस है। इन तीनों ब्रांड ने ब्रांड के अंदर में आता है माउल लहम। माउल लहम जो है वो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ऑर्गन रेगुलाइज ऑर्गन को जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसको स्ट्रेंथ देता है, रेगुलाइज करता है और उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, स्टेमिना को इम्प्रूव करता है और मेल और फीमेल दोनों के लिए एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बच्चों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना बड़ों के लिए है। ब्रांड में मैंने बता दिया तयबी, हमदर्द और हरमस, इन तीनों के ब्रांड के नाम से माउल लहम आता है। अगली गिजा है वो है माउल असल यानी कि शहद का पानी। इसको तैयार करने के लिए 1 हिस्सा शहद लेना है, 4 हिस्सा पानी लेना है और उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। जब 1/4 हिस्सा रह जाए तो फिर उसको छान लें और उसको फिर इस्तेमाल करें। और या तो फिर अगर हम हनी के साथ वाटर की जगह पे हर्बल डिकॉक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम हर्बल डिकॉक्शन, कोई भी हर्बल डिकॉक्शन इस चीज को बोलते हैं कि जो शांदे को बोलते हैं, एक तरह से जो भी बेनिफिशियल हर्ब्स हैं उसको आप उबाल के उसका जो जोश दे के उसका जो पानी होता है उसके अंदर भी हम वो वाटर की जगह ये हर्बल डिकॉक्शन इस्तेमाल करके तैयार कर सकते हैं। इसको माउल असल मुरक्कब कहते हैं जब हम डिकॉक्शन इस्तेमाल करेंगे तो। इसके बेनिफिट्स क्या ये है कि फीवर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इरिटेशन जितनी भी कॉज करने वाली चीजें हैं उससे प्रिवेंट करता है, थर्स्ट के लिए है, ड्राई कफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जनरल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और एक बेहतरीन गिजा मानी जाती है पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस और ट्रिमर्स के लिए सबसे बेहतरीन दवा यही है। और इसका जो उसूल इलाज है, फालिज का उसूल इलाज, उसमें से भी पहले के हफ्ते में माउल असल दिया जाना चाहिए, ऐसा अतिबाओं का कहना है। इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला नींबू नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलग अलग स्पाइसेस भी आप यूज कर सकते हैं। माउल असल मुरक्कब के बारे में मैंने बता दिया कि जब हम डिकॉक्शन हर्बल डिकॉक्शन इस्तेमाल करते हैं तो माउल असल मुरक्कब कहते हैं। और अर्क अगर हम हासिल कर रहे हैं तो उसको अर्क भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और जब हम अर्क हासिल कर रहे होते हैं तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अर्क जितने भी अर्क होते हैं वो सब एब्जॉर्प्टिव पावर के, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत ज्यादा होता है, वो होते जाजिबा को बढ़ा देता है। एक इसकी प्रिपरेशन ये भी है कि जब हम इसको रोज वाटर के साथ प्रिपेयर करते हैं, पहले मैंने बताया कि डिकॉक्शन ऑफ हर्ब्स की से भी तैयार करते हैं और दूसरा ये है कि रोज वाटर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, उसका जो नाम है वो जलाब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हनी और रोज वाटर का जो शरबत के तौर पे तैयार किया जाता है उसको। इसके अंदर सारी वो क्वालिटीज होती हैं जो एक शहद के अंदर होती हैं, शहद में जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। अमीनो एसिड इसके अंदर अच्छे खासे होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, सब चीजें बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, लेकिन प्राइमरीली जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो शुगर होता है और वाटर है। शुगर में भी फ्रक्टोज और ग्लूकोज और वाटर के कंपोजिशन से बनता है जो कि हमारे जीआईटी के लिए, जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस हैं उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर कुछ ट्रेस अमाउंट्स में ये भी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, जिसके अंदर कैल्शियम, कॉपर, आयरन, सोडियम, जिंक, ये सारी चीजें आती हैं, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं इसके अंदर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हनी की हम बात करें, रिसर्च से ये साबित हो चुका है अब कि इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक एक्शन आता है, जो कि हम लोकली इस्तेमाल करें तो एंटी बैक्टीरियल होता है ये, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी टसिव, एंटी कैटरल, एक्सपेक्टोरेंट, पेन किलर, न्यूट्रिएंट, डिटर्जेंट, डी एब्जॉर्बेंट, लिथोट्रिप ट्रिप्टिक, टोनिक फॉर स्टमक, एपेटाइजर, एफ्रोडाइसियक, डाइजेस्टिव, ब्लड प्योरीफायर, वूंड हीलर, एंटी अल्सर, एंटी प्रोलिफरेटिव एंड हिमोस्टेसिस। इन सब के ये प्रूवन अफेक्ट जो है रिसर्च पेपर्स में आ चुके हैं, वो वाले ये प्रूवन अफेक्ट्स हैं हनी के, और हनी के जितने फायदे हैं वो सब हमें इसके अंदर मिल जाएंगे माउल असल में।
अगली गजा है वो माउल उसूल है, जड़ों के पानी को बोलते हैं माउल असूल, जो मैंने डिकॉक्शन तैयार करने के लिए बताया उसी तरह से ये माउल उसूल तैयार किया जाता है। एक ये पिक्चर है नीटल रूट के डिकॉक्शन का, नीटल रूट जिसको बिच्छू बूटी भी कहते हैं, ये हेल्प करता है इंफ्लामेशन को रिड्यूस करने में, और जितने भी इंफ्लामेटरी कंडीशन है जैसे कि हे फीवर हो गया उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, या बीपी को कम करने में हेल्प करता है। कुछ और रूट्स हैं जिसको हम तैयार इसके लिए मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी रूट हैं जिसको हम मेडिसिनल तौर पर रूट्स का इस्तेमाल करते हैं उन सबको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसका डिकॉक्शन तैयार करें और इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे घरों में ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है कि हम रूट को ला के उसका स्कूप करें उसके बाद उसकी खुराक लें। उससे बेहतर ये है कि हम रूट अगर हमें अवेलेबल है जैसे बेस पे वादियान है, कासनी है, करफ है, इन सब के रूट्स अगर अवेलेबल हैं तो उसको पानी में डालें और उसको बॉईल करें, और जब वो अच्छे से जोश दे दे 2-3 बॉईल हो जाए उसके बाद उसके पानी को अलग करके और उसको इस्तेमाल करें। जितने भी हम जो हम हर्ब्स इस्तेमाल करेंगे उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब इसके अंदर होंगी माउल उसूल। ये प्योरली डिपेंड करता है कि हम कौन से रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इजीली डाइजेस्टेबल होता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, इसको हजम होने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से हजम भी हो जाता है और क्विक एक्शन करता है। कुछ डिकॉक्शन हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, टर्मेरिक जो कि पूरी तरह से रूट नहीं है, मॉडिफाइड रूट है, लेकिन इसका भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आर्थराइटिस, स्टमक प्रॉब्लम जितनी भी है, लिवर, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, हेडेक, इन्फेक्शन, ये इन सब में टर्मेरिक के डिकॉक्शन जो होते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये जिंजर का जो शानदा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपसेट स्टमक, डायरिया, नोजिया, कॉमन कोल्ड, फ्लू, हेडेक, कंजेशन, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। और एक अजगंध का डिकॉक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो शानदा अजगंध, आर्थराइटिस, एस्मा, फाइब्रोमाइल्जिया, लिवर डिजीजेस, इन सब में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगली गजा जो है वो है माउल फवाके, जिसको हम फ्रूट जूस के नाम से जानते हैं। इसको बेहतर यही है, फ्रूट जूस जो बाजार से मिलता है उससे बेहतर ये है कि आप घर से तैयार करें। एक पैकेज फ्रूट जूस होता है जो पैकेज के फॉर्म में आता है, उसके अंदर जनरली क्या करते हैं, प्रोसेस करने से पहले उसके अंदर जितने भी फाइबरस कंटेंट्स होते हैं उसको निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हम लेने से उसके कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हम फ्रेश जूस को इस्तेमाल करें, और फ्रेश जूस में भी वो बेहतर है जो हम घर पे बनाते हैं, क्योंकि जो बाहर की दुकानों में जो हम लेंगे वहां पे हाइजीन का पूरा ख्याल नहीं रखा जाता है जितना हम घर पे हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है, प्योरली डिपेंड करता है कि फ्रूट जो हम यूज कर रहे हैं उसके क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। और अगर हम पूरे जूस की बात करें फ्रूट को हटा के, तो इसके अंदर जो भी जूस है, जो भी हम फ्रूट लेंगे वो विटामिन रिच, मिनरल रिच, वो सारी डेफिशिएंसीज में हेल्प कर यूज कर सकते हैं। इसको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, जब हम पैकेज्ड फ्रूट जूस ना लेके घर पे बना के लें तो वो कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि फाइबरस कंटेंट अच्छे खासा होता है उसके अंदर। अनीमिया में ले सकते हैं, जनरल वीकनेस में ले सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तबरीद और तलाइने दिमाग भी करता है। वो डिपेंड करता है जो भी हम फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, सेब, अनार, संतरा, वाटरमेलन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट जूस के फॉर्म में। अगली गिजा है वो है माउल बुकूल। बुकूल बोलते हैं सब्जियों को, सब्जियों के जूस को माउल बुकूल कहते हैं। इसके अंदर भी हम अलग अलग डिपेंड करता है ये भी कि हम कौन सा वेजिटेबल ले रहे हैं। जैसे चकुंदर का अगर हम बना रहे हैं तो चकुंदर हमारे अनीमिया के लिए कंडीशन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। खीरा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जितने भी हमें गर्म मिजाज वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। विटामिन सी के अगर हम जूस इस्तेमाल कर रहे हैं लेमन या फिर संतरे का, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। हेल्थ बेनिफिट्स अलग अलग सब्जियों के अलग अलग होते हैं। मको और कासनी के जो पत्ते होते हैं वो भी एक तरह के सब्जियों में आ जाते हैं, उसके फिर अलग फायदे हैं। जितने भी लिवर डिजीजेस हैं उन सब में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पंपकिन जूस, कैरेट जूस जो आमतौर पे लोगों को दिया जाता है। अगली गजा है पनीर माया। पनीर माया बोलते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए हम कोई से भी मिल्क ले सकते हैं, मिल्क ऑफ कैमल, काउ, शीप, कोई से भी मिल्क ले सकते हैं हम। और ये तब लेते हैं जब कि एक बच्चा जस्ट पैदा होता है उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हासिल करें, उसके बाद उसको बॉईल करें, और फिर उसको फाड़ना नहीं है, बॉईल करना है सिर्फ, और उसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो अपने आप जम के पनीर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो उस वो जो पनीर जो हमें हासिल होता है वो पनीर माया कहलाता है। इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ये दिल और दिमाग के लिए बहुत ताकतवर गिजा होती है, और डायरिया में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरिया में भी इसके यूट्यूब के एक लिंक है कि कैसे इसको तैयार करना है, वो देख के आप तैयार कर सकते हैं। ये एक पिक्चर है पनीर माया की तैयार करते हुए। बेनिफिट्स ऑफ पनीर, यहाँ पे हम पनीर माया के बेनिफिट्स को ना बात करके पनीर के बेनिफिट इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी पनीर माया पे उतनी सारी रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन ये है कि पनीर माया के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो पनीर से ज्यादा ही है। तो जितने भी अगर हम एक पनीर ले रहे हैं, एक क्यूब पनीर ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट जो होगा वो एक क्यूब पनीर माया से बहुत कम होगा
पनीर में के बेनिफिट्स इफेक्ट बढ़ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये टेस्ट में अच्छा होता है, तो हर तरह हर एज के लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सब कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसके अंदर कम है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन रिच, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिच डाइट होती है, जो कि ज्वाइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे जोड़ों के दर्द जो चीजें हैं उससे प्रिवेंट करती है। डाइजेस्टिव फाइबर्स इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। रिच सोर्स ऑफ फोलेट है, जो कि प्रेगनेंसी में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स ना देके हम पनीर को डेली डेली उसके डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली डाइट में अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके जो फोलेट की कमी है वो पूरी की जा सकती है। लेकिन ये है कि हम उसको इस चीज के लिए प्रोमोट करें कि आप पनीर लें, फॉलिक एसिड की जगह पे पनीर का इस्तेमाल करें। लिनोलिक एसिड इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है, जो कि फैट को बर्न करने में और वेट लॉस में हेल्प करती है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पनीर के कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में मुझे मिल गया था, तो एक मैंने डाल दिया है। अगली प्रिपरेशन है जलाब। जलाब जो है वो बेसिकली जल और आग से बना है। जल का मतलब गुलाब है और आग का मतलब वाटर है। तो इसमें हनी और क्या बोलते हैं, गुलाब, रोज वाटर और हनी का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। प्रिपरेशन में इसका क्या करना है, शहद और रोज वाटर इक्वल अमाउंट में लेके उसको बॉईल करना है अच्छे से। और अगर हम हनी नहीं ले रहे हैं तो शीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर सिरप का, और उसको रोज वाटर के साथ मिला के उसको बॉईल करके उसका एक शरबत के फॉर्म में हासिल कर लें। इसका बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव है, इसीलिए ये अच्छा है कि हम प्रेगनेंसी में ना दें। इतना स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव है कि हमें प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको शरबते शहद भी बोलते हैं। अगली गजा है सिकंजबीन, जिसको ऑक्सिमल, इंग्लिश वर्ड जो है वो ऑक्सिमल है। ये सिरका प्लस अंगबैन, सिरका और अंगबैन से बना है, और अंगबैन का मतलब होता है शहद। तो इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज शामिल हो जाती हैं, वो सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं जो कि एक सिरका में होते हैं और शहद में होते हैं। इसके प्रिपरेशन के तरीके में ये है कि एक हिस्सा में सिरका लेना है, दो हिस्सा में शहद लेना है, उसको अच्छे से मिक्स करके उसको उबालना है, और उबालने के बाद 1 से 2 बॉईल आ जाए उसके बाद उसको चूल्हे को बंद करें और उसको इस्तेमाल करें। पर ये गलीज मादे जितने भी होते हैं उसका इखराज करता है, बदन में जितने भी गलीज मादे हैं उसका इखराज करता है, सूदिंग इफेक्ट रखता है, सफरा को बाहर निकालने में मदद करता है। एमेटिक और एंटी एमेटिक, इसका बेस्ट फंक्शन ये है कि ये एमेटिक का भी रोल करता है और एंटी एमेटिक का भी रोल करता है। ये फर्क इसका ये इस पे पड़ता है कि हम उसके साथ वाटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम हॉट वाटर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एमेटिक का एक्शन करेगा, और अगर हम कोल्ड वाटर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एंटी एमेटिक का असर करेगा। एक तरह का शरबत है ये, सिरका और अंगबेन से बना है। एक सिरका है लेमोनी के नाम से, सिकंजबीन है लेमोनी के नाम से एक कंपाउंड तैयार किया जाता है, जिसके अंदर सिरका की जगह हम लीमू का जूस इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर एक रिसर्च ये हो चुकी है कि 30 पेशेंट लिए गए हैं, प्रेग्नेंट वुमेन 7 to 14 वीक्स के जेस्टेशन एज के 30 पेशेंट को लेके उसके अंदर ट्रायल पीरियड किया गया है कि 25 ml दिया गया 2 टाइम 14 दिन तक। इससे उनके नोजिया और वॉमिटिंग की जो कंडीशन होती है उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है आबकामा, जिसको मरी, सिरका हिंदी या कांजी, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का शराब ही है जो कि फर्मेंटेशन के बाद हासिल किया जाता है। तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट में, इसको तैयार करने का तरीका ये है कि हमें सरसों लेना है, नमक लेना है, जीरा लेना है, अजवाइन लेना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको धूप में छोड़ देना है एटलीस्ट 40 डेज के लिए। उसके बाद ये जब फर्मेंटेशन हो जाए उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा, सरसों, जीरा, इन सब के अलावा एक और चीज से तैयार किया जाता है कि रोटी जो होती है उसको हम इस्तेमाल करें। रोटी सिरका, नमक, पुदीना, अदरक और काली मिर्च और इन तरह के जितने भी मसाले हैं जो आपको चाहिए, जिनका फ्लेवर चाहिए, वो इसके साथ मिला के उसको फर्मेंट करें और उसको इस्तेमाल करें। ये जितनी भी गैस्ट्रिक डिजीजेज हैं उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, खुद तो जल्दी सरीव नुफूज है ही, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है खुद ही, और उसके साथ हम जो गिजा लेते हैं उसका भी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। फर्मेंटेशन का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो खुद एब्जॉर्ब हो जाता है, फर्मेंटेटेड फूड जितने भी होते हैं वो खुद भी एब्जॉर्ब होता है और साथ वाली जितनी भी गजाएं होती हैं उसको भी एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से इम्प्रूवमेंट हो जाती है डाइजेशन की, जिसकी वजह से डिजीज के होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
बुक्स में जो है वो कांजी, तीन तरीके से कांजी को बनाने का तरीका बताया गया है। एक सबसे पहला तरीका ये है कि जीरा लेना है, लहसुन लेना है और तेल लेना है, या बटर या घी जो भी आप लेना चाहें वो। जीरा लहसुन तेल उसको हमें आंच पे रख देना है, ढक के रखना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट जब वो अच्छे से भुन जाए, उसके बाद उसके अंदर सरसों, नमक, अजवाइन और पानी शामिल करें, और उसके बाद उसको अच्छे से बंद करके सनलाइट में उसको रख दें, उसको फर्मेंटेशन के लिए उसको सनलाइट में रख दें। जब ये फर्मेंट हो जाए तो इसको इस्तेमाल करें। एक तरीका तो ये हो गया कांजी को तैयार करने का। दूसरा है जौ से, जौ उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, उससे जो तैयार किया जाता है उसको कांजी जौ कहते हैं। इसके अंदर चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, एक इसमें से कोई एक ले सकते हैं या जितना आप चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। उसके साथ पानी शामिल करना है, नमक शामिल करना है, उसके बाद टाइट पैक कंटेनर में रख के सनलाइट में कम से कम 40 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। दूसरा, यूनानी टेक्स्ट में जो है जी एक और सर, कांजी की प्रिपरेशन बताई गई है, जिसमें रोटी का इस्तेमाल करते हैं। थिक रोटी जो होती है उसको एक यूटेंसिल में रख के फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब वो फर्मेंट हो जाता है 1 से 2 दिन के अंदर, उसके बाद हम उसके अंदर 5 लीटर पानी डालते हैं, नमक डालते हैं 125 ग्राम, और फिर उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए 4 हफ्तों के लिए। वो जब 4 हफ्ते अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर पुदीना मिलाएं, सौंठ मिलाएं, काली मिर्च मिलाएं, तो उसमें पालक मिलाएं, और उसको अच्छे से मिक्स करके 1 हफ्ते के लिए फिर से छोड़ दें। जब वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो उसको छान के, कपड़े से छान के, अच्छे से छान के उसके बाद उसको इस्तेमाल कराएं। खमर अगला जो है वो खमर है, जो जिसको बेसिकली शराब बोलते हैं। ये खमर जो है वो खमीर से लिया गया है। खमीर का मतलब होता है फर्मेंटेशन होना, किसी भी उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो खमीर कहलाता है। तो ये इसी वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, खमर शराब। इसके फिर अलग बेनिफिट्स हो जाते हैं। ये हासिल किया जाता है जितने भी स्टार्ची सब्सटेंसेस हैं, चावल, गेहूं, मक्की का आटा, सब जो मक्खी है, उन सबको जो फर्मेंटेशन करने के बाद जो हासिल होता है उसको खमर कहते हैं। इसके डोजेज पे इसकी इफेक्ट पता चलता है कि कितना डोज लेंगे तो क्या उसका इफेक्ट आएगा। अगर हम एक ड्रिंक ले रहे हैं तो उसका स्टिमुलेंट इफेक्ट रहता है, दिल और दिमाग के लिए वो स्टिमुलेंट होता है। अगर हम एक ड्रिंक ले रहे हैं तो जैसे जैसे उसकी ड्रिंक की बढ़ती जाएगी, ड्रिंक नंबर ऑफ ड्रिंक्स, उतना उसका टॉक्सिसिटी की तरफ चलता चला जाएगा। एक ड्रिंक में स्टिमुलेंट का काम करता है, दो ड्रिंक अगर ले रहे हैं तो वो कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है इंसान, तीन ड्रिंक के बाद एक्साइटमेंट में चला जाता है, और उसके बाद बढ़ता जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो वो टॉक्सिक लेवल पे चला जाता है और टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है। और फिर उसके बाद एक और कंडीशन आती है कि धीरे धीरे करके इंसान को उसकी आदत होती जाती है, लत लगती चली जाती है। तो वो लिवर के जितने भी फंक्शंस हैं उसके लिए भी बहुत डिसएडवांटेज का काम करता है। इसीलिए इसको हम, ये है कि अगर हम इसको हेल्थ बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगली गिज़ा है फुका। फुका एक तरह का, ये भी एक तरह के फर्मेंटेड उसमें ही आता है, लेकिन ये ज्यादा फर्मेंट नहीं किया जाता है। तो 1 से 2 रात के लिए फर्मेंट किया जाता है। ये डेट, खजूर या फिर जौ, इन सब से तैयार कर सकते हैं। ये एक तरह का स्वीटेंड ग्रेन बेस्ड डाइजेस्टिव बियर होता है। डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह का खजूर इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली प्रिपरेशन है वो नबीज या अरिष्ट। इसके अंदर जो तैयार किया जाता है वो ग्रेप से या रेजिन यानी कि किशमिश और खजूर, इन तीनों से हम तैयार कर सकते हैं। ये एक तरह का नबीज को ही, जो यूनानी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि नबीज एक तरह का गैर मुकत्तर शराब है, यानी कि इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट या तो नहीं होता है बिल्कुल, या बहुत कम होता है, होता भी है तो। इसीलिए इसको गैर मुकत्तर शराब कहा है अतिबाओं ने। इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो फर्मेंटेशन के बाद चाहिए होते हैं, और लेकिन जो आदत लगने वाली जो चीज होती है या फिर कंफ्यूजन स्टेट, एक्साइटमेंट स्टेट में जाने वाली जो चीज होती है वो नहीं होती है। इसलिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसको बनाने के तरीके के लिए हमें खजूर लेना है। खजूर अगर आप ले रहे हैं तो 6 से 7 खजूर लें, या तो फिर अगर आप किशमिश ले रहे हैं तो 1 मुट्ठी किशमिश लें, उसको 200 ml पानी में भिंगा दें, रात में भिंगाएं, और फिर सुबह में उठें तो इसको छान के इसका इस्तेमाल करें। इसके अंदर फर्मेंटेशन इतना कम होता है कि इसको बेसिकली सुन्ना कहा गया है। ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। इसके फायदे ये हैं कि ये एसिडिटी को रिमूव करता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट जितने भी होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, हमारी मेमोरी को अच्छा करता है, इम्प्रूव मेमोरी, जितने भी ये हैं प्रोस्टेट, चेस्ट, थ्रोट, लिवर, स्प्लीन एंड अदर ऑर्गन्स फंक्शन, इन सब के फंक्शन को इम्प्रूव करता है इसके कंजम्पशन।
और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सुन्ना में आता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रमजानों में ये किया करते थे कि रात में ईशा के टाइम खजूर को लेके पानी में भिगो के छोड़ दिया और सुबह फजर के टाइम उसको छान के पी लिया करते थे। और ये बेहतर ये है कि हम इसको 2 दिन से ज्यादा ना छोड़ें, क्योंकि फिर इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट जो होता है वो बढ़ने लगता है। 2 दिन से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा 2 रात तक इसको छोड़ें। सिकबाज एक ऐसी डिश है जो कि मीट और सिरके से तैयार किया जाता है। गोश्त कोई से भी गोश्त ले सकते हैं और उसको सिरके में, या तो हम उसको मैरिनेट करके छोड़ के तब उसका तैयार करें, या फिर पानी की जगह हम सिरके को इस्तेमाल करें, तो ये जो डिश तैयार होती है इसको सिकबाज कहते हैं। इसका मिजाज सर्द होता है क्योंकि हम इसके अंदर सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका मिजाज, मीट का जो मिजाज होता है वो तो हार होता है, लेकिन सिरके की वजह से इस पूरे डिश का जो है वो मिजाज चेंज हो जाता है और कूल टेम्परामेंट हो जाता है। सिरका और बाज 2 वर्ड से मिलके बना है। सिक और बाज, सिक का मतलब होता है विनेगर और बाज होता है स्ट्यू, यानी मटन स्ट्यू, ऐसा मटन स्ट्यू या मीट स्ट्यू जो कि विनेगर से तैयार किया गया हो उसको सिक बाज कहते हैं। काते सफरा है, बहुत अच्छा काते सफरा है, लिवर की जितनी भी डिजीजेज हैं उसमें बेनिफिशियल है, जॉन्डिस वॉमिटिंग ये सारी चीजें उन सब में बेनिफिशियल है। अगली गिजा है असफीदज। असफीदज बेसिकली जो है वो मटन सूप है जिसके अंदर हम कोई स्पाइस नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ पानी डाला, मटन डाला और उसको इतने अच्छे से पका लिया कि वो मटन एकदम वो जाए। 1 से 2 घंटे तक इसको आंच पे छोड़ देते हैं, जैसे पाया बनाते हैं उसी तरह से इसको करना है, उसको छोड़ देना है 1 से 2 घंटे तक। उसकी सारी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब पानी में आ जाते हैं। उसके बाद उसके हम कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मीट के जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो आते हैं पानी में। और फिर इसको इस्तेमाल करें, ये विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और जितना न्यूट्रिशियस भी होता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अगली प्रिपरेशन है मुरब्बा। मुरब्बा बोलते हैं जब हम सीजनल फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं शीरे में या फिर शहद में, जब हम प्रिजर्व करते हैं उसको मुरब्बा कहते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ज्यादातर आंवला, हलैला, बेली, अदरक, आम, सेब, इन सब का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर वो सारी क्वांटिटी होती हैं, वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि उस फ्रूट में होती हैं। आंवले का जो जो भी है, जैसे कि बालों के गिरने को कम करता है या अच्छा काबिज होता है। आंवला अगर हम सिर्फ बात करें तो आंवला बहुत अच्छा काबिज होता है, लेकिन जब हम उसका मुरब्बा आंवला इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर उसकी कब्जियत कम हो जाती है, तो हम उसको एज अ मुलयन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ देता है स्टमक को, सफरा को काटता है, काते सफरा है ये अच्छा, इसलिए लिवर डिजीज में सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा है आंवला, मुरब्बा है जंजबील और मुरब्बा है सेब। इसके अलग अलग फिर फायदे होते हैं। जिसने मुरब्बा आंवला का ये है कि वो ब्रेन, स्टमक और लिवर को मजबूती देता है, डायरिया में हेल्प करता है, डायरिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल वीकनेस में, हेयर फॉल में इसका प्रूवन, आंवले के जो प्रूवन इफेक्ट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट, कूलेंट और रेफ्रिजरेंट, लैक्सेटिव, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। मुरब्बा जंजबील का ये है कि जितने भी बलगमी अमराज हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद है, डाइजेस्टिव है, एंटी एंटी फ्लैचुलेंस है, जनरल टॉनिक एक तरह से। मुरब्बा सेब का ये है कि मुफर्रे है, ये हमारे दिल और दिमाग को मुफर्रे करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट है गिजा जो है वो गुलकंद है। गुलकंद रोज पेटल को जब हम प्रिजर्व करते हैं हनी या शीरे में और उसको एक जैम के शक्ल में बना लेते हैं तो उसको गुलकंद कहते हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है, पंखुड़ियां लेनी है गुलाब की, उसके अंदर शुगर शामिल करना है और फिर उसको मिक्स करके थोड़ा सा एसेंस के लिए अर्के गुलाब शामिल कर सकते हैं या गुलाब की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी होगी। उसके बाद उसको अच्छे से बंद करके और 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए उसको सनलाइट में छोड़ दें और फिर उसको अच्छे से बीट करके जैम की फॉर्म में तैयार कर लें, या तो फिर ऐसे ही इस्तेमाल करें, जैसे आपकी मर्जी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये बेसिकली इसका जो गुलकंद है वो उसके साथ मुंजिज के साथ देते हैं ताकि मुंजिज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज हो जाए, उसको हेल्प करती है एक तरह से। बेनिफिट्स में ये है कि एंटीबैक्टीरियल है, पहली बात आ रही है, हनी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजें इसके अंदर तो आएंगी। एंटीबैक्टीरियल लोकली एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीटसिव है, एंटीऑक्सीडेंट, फीवर, लैक्सेटिव, स्टमक एंड ब्रेन को के लिए टॉनिक है, एक अच्छा बेहतरीन टॉनिक है। इन लार्ज क्वांटिटी पर्गेटिव भी है और हिप्नोटिक भी है अगर हम लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। अगली प्रिपरेशन हलवा है। हलवा, कई तरह के हलवा बनने लगे हैं और हलवा का सबसे ज्यादा जो मेन बेनिफिट होता है, मेन इस्तेमाल होता है, वो न्यूट्रिशन के तौर पे होता है, क्योंकि इसके अंदर हलवा एक मेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मैदा या सूजी होता है, लेकिन उसके साथ हम इसके साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं, शहद ऐड करते हैं, बटर और घी ऐड करते हैं, तो इन सब के बेनिफिट इफेक्ट भी, बेनिफिशियल इफेक्ट उसके अंदर शामिल हो जाता है।
कभी कभी हम ये हर्ब्स के या फिर अद्विया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलोवेरा का इस्तेमाल कर लिया या गाजर का इस्तेमाल कर लिया, इसके भी अलग फायदे होते हैं। एक तरह का हलवा है लोजीना, जो कि ड्राई फ्रूट, सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट के हलवे को तैयार किया जाता है, जिसका नाम लोजीना है। उसके फिर सारे जितनी भी तकवियत, हर तरह के तकवियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लोजीना के लिए। लोजीना जो होता है बेनिफिट्स इसके ये हैं, रिच इन कैलोरीज, न्यूट्रिशन एंड एनर्जेटिक होता है। हलवा सेब, बेही, हलवा सालब, हलवा बैज मुर्ग, ये सारे सेक्सुअल डिसफंक्शन जितने भी हैं उसके अंदर बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट हैं इसके, और ये सारी चीजें साबित भी हो चुकी हैं। और हलवाई सुपारी पाक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। हलवाई घी ग्वार जो है, जितने भी जोड़ों के, जितने भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हलवा घी ग्वार भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगली गजा है हरीसा। हरीसा एक ऐसी गजा है जो कि वीट से तैयार किया जाता है, गेहूं से। गेहूं को हमें रात भर छोड़ देना है भिगा के, जब वो अच्छे से भीग जाए रात भर, उसके बाद उसको सुबह में उसको हल्की आंच पे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। उसमें आप चाहें तो गोश्त शामिल कर लें, नहीं गोश्त शामिल करना ही है, वीट और गोश्त की एक जो गिजा होती है उसको हरीसा कहते हैं। वीट को भिगा के छोड़ दिया रात भर, उसके बाद सुबह में उसके अंदर गोश्त शामिल करें, बटर शामिल करें, और उसके बाद उसको अच्छे से पका लें। जब वो अच्छे से पक जाए तो उसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप पहली पिक्चर में देख रहे हैं उसको बिना बीट किए हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी फोटो है, उसको अच्छे से बीट कर लें और उसको पेस्ट की फॉर्म में तैयार कर लें, तो वो भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके मतलब मरीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल किया, और अगर आप टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप उसको हल्का सा फ्लेवर के लिए नींबू, मिर्च, धनिया, ये सारी चीजें ऐड करके उसके लिए साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेनिफिशियल पॉइंट्स ये हैं कि क्रॉनिक फीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए अच्छा होता है, अनीमिया के लिए अच्छा होता है, माइग्रेन के लिए अच्छा होता है। अगली गिजा है हसरमिया। ये एक तरह की डाइट है जो अंगूर, लौकी, पालक, खीरा, इन सब से मिला के तैयार किया जाता है। हॉट क्लाइमेट, जितनी भी गर्म मिजाज की बीमारियां हैं उसमें भी और गर्मियों में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये एंटी बिलियस है, यानी कि काते सफरा का काम करता है। अगली है जीरबाज। जीरबाज एक तरह का सूप बोल सकते हैं, कि सूप ऐसा सूप है जो कि विनेगर, ड्राई फ्रूट, जाफरान और भी बहुत सारे मसाले, उन सब के साथ इस्तेमाल करके एक सूप जो तैयार किया जाता है उसको जीरबाज कहते हैं। ये जितने भी पेट की, मेदे की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जीरबाज सूप के फॉर्म में जो तैयार किया वो इसके लिए होता है। एक स्ट्यू के फॉर्म में भी तैयार किया जाता है, जिसके अंदर दालचीनी और चना, नमक, तिल का तेल, सिरका, चीनी हल्का सा, और बादाम वगैरह या रोज वाटर, इन सब चीजों को, अदर फ्लेवर्स जो हैं उन सबको ऐड करके जो तैयार किया जाता है उसको मीट स्ट्यू के फॉर्म में तैयार किया जाता है। अगली प्रिपरेशन मजीरा है। मजीरा एक तरह का कर्डल्ड मिल्क की डाइट होती है, फटे हुए दूध की तरह रहता है। ये दही और फटे हुए दूध के बीच का होता है, जिसके अंदर सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है और लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। जैसे कि हम फोटो में देख रहे हैं, सॉलिड पार्ट अलग और लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है, तो इस पूरे इस वाले कंसिस्टेंसी को मजीरा कहते हैं। ये अच्छा कूल होता है, सर्द होता है और विस्कस होता है। हॉट टेम्परामेंट के लिए बहुत अच्छा है, गर्म मिजाज वालों के लिए। अगली गिजा मसलिया है। मछलियाँ एक दही और राइस से एक डिश तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं मछलियाँ, और सेम मजीरा की तरह ही इसके बेनिफिट इफेक्ट हैं और उसी तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। अगली गिजा है फालूदा। फालूदा जो बेसिकली स्टार्च से तैयार किया जाता है, किसी भी स्टार्च को हम ले सकते हैं, गेहूं का आटा या चावल का आटा, इन सबको किसी को भी ले सकते हैं, और उसको दूध में शामिल करें, अच्छे से मिला लें, शुगर चीनी मिलाएं और गुलाब मिलाएं, इन सबको अच्छे से मिला के मिल्क में उसको बॉईल करने के लिए रख दें। जब वो अच्छे से थिक हो जाए तो उसको एक सीव यानी छन्नी से उसको छान लेना है, कि वर्मिसेली यानी कि सेवई के फॉर्म में नीचे की तरफ निकले, और जब वो नीचे की तरफ निकले तो नीचे हमें ठंडे पानी का बाउल रखना है, ताकि उसके अंदर जाके पूरा एकदम मिक्सचर के फॉर्म में ना हो जाए, बल्कि एक सेवई के फॉर्म में ही सेवई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखे और उसकी फॉर्म जो है वो चेंज ना हो। और फिर उसको अलग अलग फ्लेवर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जेली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा कूलेंट होता है, न्यूट्रिशियस डाइट तो है ही, क्योंकि इसके अंदर जो हम चीजें मिला रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होता ही है, कूलेंट है, और जनरल बॉडी वीकनेस के लिए बहुत अच्छा है और कार्डियक वीकनेस के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है फिरनी। फिरनी बेसिकली राइस की एक डिश है। राइस को हम रात भर आधे घंटे भिंगा के छोड़ देते हैं, अच्छे से फ्रेग्रेंट और गुड राइस लेना है, जिसके अंदर खुशबू अच्छी है, उसको 30 मिनट भिंगा के छोड़ देना है। जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो उसको पीस लें, उसको फिर उसके अंदर पानी मिलाएं,
और उसको अच्छे से छान ले, ताकि जो मोटे मोटे जो चावल होते हैं वो ना बच जाए। अच्छे से उसको छान के एकदम बारीक पीस लेना है, और उसके बाद उसको 1 लीटर दूध में मिला के 1 घंटे तक अच्छे से पकाएं। जब वो अच्छे से पक जाए तो चीनी शामिल करें स्वाद के अनुसार, और उसके बाद उसको ठंडा करके इस्तेमाल करें। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है। राइस और मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा, मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से मिल्क के जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अलकबीज, अलकबीज भी एक तरह का हलवा है जो कि मैदे से तैयार किया जाता है। मैदा, मैदा, दूध, क्रीम और खजूर, इन सब से तैयार किया जाता है। और ये सिमिलर फालूदे की तरह, जितने भी फालूदा के बेनिफिट्स हैं या फिर जो भी तैयार किया जाता है उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको भी, और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। फतीर है नेक्स्ट, फतीर या फतायर जो भी इसको प्रोनाउंस करें, ये एक तरह के इजिप्शियन डिश में आता है। ये फर्मेंटेड डो से तैयार किया जाता है। फतीर, फतीर मशलटेट एक तरह की डिश है जो कि पेस्ट्री के फॉर्म में आती है, लेयर्ड पेस्ट्री होती है, इजिप्शियन डिश होता है। और प्लेन फतीर अगर हम बना रहे हैं फर्मेंटेड डो से, तो उसको शहद के साथ तैयार करते हैं, या तो फिर जैम के साथ इस्तेमाल करते हैं, चीज या ऑलिव ऑयल किसी के भी साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या किसी तरह की फ्लेवरिंग फिलिंग डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। खशकार, खशकार उस आटे की रोटी को कहते हैं जिसका हस्क हम निकाला ना गया हो, उस ऐसी रोटी को खशकार कहते हैं। आजकल जो है वो पैकेज आटा आता है, उसके अंदर बेसिकली सारे हस्क को रिमूव कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज बनता है कॉन्स्टिपेशन का। इससे बचने के लिए हमें यही है कि चक्की का जो पीटा पीसा हुआ जो आटा होता है उसको इस्तेमाल करें। डायबिटिक पेशेंट को भी हम बोलते हैं कि खशकार रोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर फाइबरस कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है, फाइबरस रिच डाइट होता है। अगर हम वेट कम करने के लिए भी खाने के लिए बोल रहे हैं तो वो भी खशकार रोटी भी बहुत अच्छा माना जाता है। जौ की रोटी जो कि जौ के आटे से तैयार की जाती है, इसका नेचर जो होता है वो सर्द होता है, आसानी से हजम हो जाता है, और जितनी भी अक्यूट डिजीजेस हैं वो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली गिजा है हरीरा, जो कि मैदा, बटर, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट से तैयार किया जाता है। हलवे की शक्ल में होता है ये भी, और ये कभी कभी रोटी से भी तैयार किया जाता है, कि रोटी को अच्छे से पानी में फुला के, रोटी और चीनी को अच्छे से पानी में भिंगा के रखें और उससे तैयार किया जाता है। कभी इसके अंदर शहद डाला जाता है, शहद अगर हम डाल देते हैं तो हमारे अननेट इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, अननेट हीट के लिए, यानी कि हरारते गरीजिया को प्रिवेंट करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी गजा मानी जाती है। कुछ हरीरा ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक डाइट होते हैं, कफ, ट्यूबरक्लोसिस, हिमोप्टाइसिस, प्लूरिसी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, हेडेक, इन सब के लिए कुछ अलग से हरीरा की रेसिपीज मेंशन है यूनानी फार्माकोपिया में। हरीरा मगज़े बादाम होता है, इसके अंदर ये जो है वो मेनली जोफे दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ठंड, अगर कोल्ड, कॉमन कोल्ड की अगर कंडीशन है तो हम इसी चीज में थोड़ा सा खशखाश शामिल कर लें तो वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। बेनिफिट्स ये हैं कि अक्यूट कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट होता है बहुत अच्छा, हाजिम होता है, और न्यूट्रिशियस डाइट तो है ही, स्टेमिना को इंक्रीज करता है। और एक ये, एक मैं आगे बताऊंगी प्रिपरेशन, वो वुमेन्स जो होती हैं पोस्ट डिलीवरी के जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक होता है हरीरा, उसको बनाने का तरीका मैं अभी बता रही हूँ, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है पोस्ट डिलीवरी में, इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। अच्छा इसके अंदर, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि गुड़ लेना है, गुड़ को पानी में मिलाना है अच्छे से, और फिर उसको उबाल देना है, और उबाल कर उसको छान लें, ताकि गुड़ के अंदर कभी कभी गंदगी रहती है वो छन जाएगी। उसके अंदर फिर 1 चम्मच जो है घी या ऑयल डालना है एक पैन में, उसके अंदर जीरा, अजवाइन, हल्दी, इन सबको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जो जैगरी का जो सिरप तैयार किया था गुड़ का उसको डालना है, अदरक का पाउडर डालना है, और इसको बॉईल कर लेना है अच्छे से, और फिर इसके अंदर रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, और इसको 40 से 45 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेना है। जब वो पका लें उसके बाद उसके अंदर अगर जरूरत है कंसिस्टेंसी इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की, उस हिसाब से पानी को शामिल करें और इसको इस्तेमाल करें। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जितनी भी जरूरत होती है पोस्ट डिलीवरी, वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अंदर टर्मेरिक जो हमने डाला, वो वूंड हीलिंग, आफ्टर डिलीवरी जो वूंड हीलिंग होती है, वूंड जो बन जाते हैं उसको हील करने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। अजवाइन जो इनडाइजेशन, जनरली पोस्ट डिलीवरी ये देखा जाता है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, तो अजवाइन जो हम शामिल कर रहे हैं वो इसमें बहुत हेल्प करती है, और हमारी बॉडी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, साफ करती है बॉडी को, प्योरीफाई करती है, और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड अनिमिया। अगला है सत्तू, सत्तू
सत्तू के बारे में हम सब जानते हैं, इसको जैसे आपको इस्तेमाल करना है पानी, बस इसके अंदर ध्यान में रखना है कि पानी ज्यादा डालें और जो भी आपके फ्लेवर मनपसंद फ्लेवर है नींबू वगैरह डाल के इसको अच्छे से मिला के पिए, क्योंकि ये इजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। एग्स हैं, एग सबसे जो ज्यादा ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा माना जाता है वो मुर्गे का और तीतर का, इन दोनों के अंडे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। येलो यॉर्क और व्हाइट यॉर्क, दोनों तरह के जो यॉर्क होते हैं, येलो में ऑलमोस्ट सारे विटामिन मौजूद होते हैं, व्हाइट यॉर्क तो हमें पता ही है कि प्रोटीन का रिचेस्ट डाइट होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है कहवा। कहवा एक अरेबियन कॉफी है जो कि अरेबियन कॉफी बीन्स और इलायची से तैयार की जाती है। अगर फ्लेवर के लिए आप चाहें तो उसके अंदर इलायची, अदरक, जो भी जिस चीज का भी आपको फ्लेवर चाहिए, दालचीनी, वो उसके अंदर ऐड करें और कहवा तैयार करें। ये कॉमन कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, कफ, एस्मा, हेडेक और फीवर, इन सब में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये बेसिकली एक अरेबियन एक अलग से सेट आता है जिसको दलहा कहते हैं, उसमें ज्यादातर उसी में प्रिपेयर किया है, उसी में सर्व किया जाता है, अरेबियन ट्रेडिशन में आता है ये। प्रिपरेशन में ये है कि पानी को बॉइल करना है, उसके बाद उसके अंदर ग्राउंडेड कॉफी को डालना है, मिक्स करना है और 10 मिनट तक उसको बॉईल करना है। जब 10 मिनट उसको अच्छे से वो बॉईल हो जाए, उसके अंदर जो भी आपको फ्लेवर चाहिए, लौंग, इलायची, इन सब ये सब शामिल करें और फिर उसको 4 से 5 मिनट और पकाएं। उसके बाद उसको चूल्हे को बंद कर दें और उसको थोड़ी देर सेटल डाउन होने दें। जब वो सेटल डाउन हो जाए उसके बाद उसको अच्छे से छान लें। छानने के बाद रोज वाटर मिलाना चाहें तो रोज वाटर मिलाएं, जाफरान मिलाना चाहें जाफरान मिलाएं और उसके बाद उसको सर्व करें दल्ला या कुल्हड़ में। ये यूजुअली जो है अरेबियन ट्रेडिशन में खजूर के साथ सर्व किया जाता है इवनिंग स्नैक के तौर पे। फर्मेंटेड फूड की हमने ऊपर बहुत सारी जगह बात की, तो बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना ज्यादा बेहतर है। कि फर्मेंटेड फूड जो होता है उसको हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करके जितने भी कार्ब्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम डालते हैं, ईस्ट या बैक्टीरिया, वो कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल और एसिड में, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने में या उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करने में। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स काफी अच्छे क्वांटिटी में होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, जिस वजह से डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आईबीएस में डायरिया, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये, वही प्रोबायोटिक्स, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आयरन एंड जिंक, आसानी से हजम करने में ये खुद। तो फर्मेंटेड फूड जितने भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि फर्मेंटेड फूड जितने होते हैं वो आसानी से जज्ब भी हो जाते हैं और साथ में जो चीजें उनके साथ जो हम कंज्यूम करते हैं उसको भी अपने साथ जज्ब कराती है। अदर बेनिफिट ये है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वेट लॉस, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज, इन सब में अच्छा माना जाता है। लास्ट में हम कुछ इलाज विल गिजा की बात कर लेते हैं कि जितनी भी यूनानी टेक्स्ट में कुछ डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो यूनानी टेक्स्ट में मेंशन है, जिसका इलाज विल गिजा के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक में मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है, जिसको हम सिरके के साथ तैयार करें, या मसूर की दाल, सिरका, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो हेडेक के लिए बहुत अच्छा होता है। मेनिनजाइटिस में माउथ शरीर बहुत अच्छा माना जाता है। कंजंक्टिवाइटिस के लिए फ्रूट जूस अच्छा होता है। पैरालिसिस की बात करें तो चिक पीज यानी चना जो होता है, काबुली चना, वो बहुत अच्छा होता है। माउल असल अच्छा होता है। माउल असल मैंने पहले भी बताया कि ड्रग ऑफ चॉइस है एक तरह से पैरालिसिस के लिए। और ये ऑलिव ऑयल, फेब्राइल कन्वर्जन के लिए माउस शरीर और चिकन का सूप, एपिलेप्सी के लिए फ्राइड मटन, अनियन, गार्लिक, कैबेज, बीन्स, ये सारी चीजें एपिलेप्सिस में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसका या तो प्रिपरेशन ऐसे ही लें या फिर इसका कोई फूड प्रिपेयर करके तब लें। मेलनकोलिया के लिए मालनकोलिया जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हम यंग शीप का मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन, ब्रेड ऑफ फाइन व्हीट, फ्रेश मिल्क, लाइव फिश, और या फिर रोगने बादाम, माउल जुबन, ये सारी चीजें मालनकोलिया के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके अंदर ड्राई मटन, जो इसके अंदर हमने सूप की बात की, ड्राई मटन हमें अवॉइड करना है, जो सूखा हुआ मटन होता है उसके अंदर अवॉइड करना होता है। मसूर दाल अवॉइड करते हैं, जितने भी कब्जियत पैदा करने वाली चीज होती है, सॉल्ट और एक्रेट टेस्ट होगा। कॉमन कोल्ड के लिए माउथ शहीर और मुरब्बा बनफ्शा बहुत फायदेमंद होता है। कफ के लिए माउथ शहीर, जितनी भी सब्जियां हैं वो, बीन्स, पालक, आलमंड ऑयल, जलाब और माउल असली, ये सारी चीजें कफ में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। प्लूरिसी के लिए माउथ शहीर, ट्यूबरकुलोसिस के लिए माउथ शहीर, बकरी का दूध, मछली, सब्जियां, कुकुम्बर, वाटरमेलन वगैरह, और माउल असल।
पाल्पिटेशन के लिए, घबराहट जो होती है उसके लिए चिकन सूप मेड विद मिक्सचर ऑफ हॉट स्पाइसेस और कच्चे खजूर से सिकंजबीने, शकरी, मुरब्बा आमला, अर्के केवड़ा, अर्के गाउजुबा और मुरब्बा अनानास, मुरब्बा तमरिंदी, ये सब बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कॉलरा के लिए पॉमेग्रेनेट जूस, अनार का जो जूस होता है उसको वीट के साथ, वीट ब्रेड के साथ मिक्स करके लें। गैस्ट्राइटिस के लिए पॉमेग्रेनेट जूस, सिकंजबीन विद मीट ब्रेड और फ्रूट्स हैविंग कोल्ड टेम्परामेंट, जितने भी वो सारी चीजें, फूड जो जिसका मिजाज जो होता है वो सर्द होता है, जितने भी हमने डेजर्ट्स की बात की वो सब यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जॉन्डिस के लिए सब्जियां जो कि पम्पकिन, स्पेनिश, क्यूकम्बर और पॉमीग्रेनेट से तैयार की जाती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉमीग्रेनेट जूस जो है वो अच्छा काते सफरा होता है। बर्निंग मिक्चुरेशन, असरमिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए वीट ब्रेड विद कांजी, फीवर के लिए वेजिटेबल्स हैविंग कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट, जितने भी सर्द और रतब मिजाज के होते हैं उन सब के सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन, फिश, ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका बहुत फायदेमंद होता है और आलमंड ऑयल भी बहुत फायदेमंद होता है। एनोरेक्सिया के लिए अगर थकान हो रही है तो फ्राइड चिक विद पॉमीग्रेनेट जूस एंड मिंट, फिश, विनेगर, गार्लिक एंड अनियन। हेपेटिक पेन के लिए वाटरमेलन विद शुगर, पम्पकिन, ग्रेप जूस, कुकुम्बर जूस, सिकंजबीन, अमलतास, वेजिटेबल्स सच एज पालक या बीट रूट या आलमंड ऑयल। गाउट के लिए पॉमीग्रेनेट और शुगर केन जूस, अर्टिकेरिया के लिए पॉमीग्रेनेट एंड कर्ड विनेगर, ऑलिगोस्पर्मिया के लिए या फिर स्पर्मेटोटोरिया के लिए प्याज, कैरेट, ग्राम, एलमंड, वॉलनट, पिस्टेशियो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। एक्जिमा के लिए माउशेर, खीरे का जूस या पम्पकिन का जूस या इसकोकोल, इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज के लिए पॉमेग्रेनेट जूस, म्यूसिलेज ऑफ इसकोल या माउशेर या पालक, ये सारी चीजें बहुत फायदेमंद है। ओबेसिटी के लिए अनियन, गार्लिक, मेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ब्लैक पेपर, ये सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल है। ये सारी हमने डिजीज से रिलेटेड कुछ गिजाओं की बात कर ली और ये लास्ट में कुछ रेफरेंसेज हैं जहाँ से मैंने ये लिया है। थैंक शुक्रिया मरियम जमील। ये प्रेजेंटेशन का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। आप लोग 5 मिनट के लिए सब लोग ओपीडी सेक्शन में चलेंगे, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल किट होगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे। फिर इस जो 2 लेक्चर हुए हैं उसका कंक्लूजन और थोड़ा सा प्रोग्राम का समअप के साथ हम लोग को जो रिफ्रेशमेंट यहाँ दिया जाएगा वो हम लोग इंशाल्लाह यहीं शॉप करेंगे। चलें फिर, ठीक, सलाम। बिजली के लिए बंद कर दो, फिर शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा।